जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके ही क्षेत्र के जोरदार सियासी हमला किया है। इस दौरान उन्होंने सिंधिया समर्थक दल बदलुओं का भी जिक्र किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते दिखे हैं। इस दौरान जीतू का अंदाज भी बहुत अलग दिखा है। वो 56 दल बदलुओं के नाम गिनाने लगे जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा दिया था। जीतू यही सवाल पूछते रहे कि आखिर वो लोग आज की तारीख में कहाँ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमने समझे लगभग कई लोगों ने उनके साथ काम किया है, चिंता मत कर, तेरे भविष्य की मेरी गारंटी। कई लोगों को इसमें से जितने यहाँ है उनको बोला होगा, मैं ध्यान रखूंगा ना, देखता हूं। ये शब्द तो कई बार सुने होंगे, जब सरकार गिर रही थी पूरी घटना आपके मस्तिष्क पटल पे होगी। जब सरकार गिरी थी तो जो विधायक उधर उनके साथ गए, जो जिला अध्यक्ष गए, मैं उन चूंकि कांग्रेस ही थे तो हम बात कर रहे थे। जहां मत यार, थोड़े दिन में जिस जैसे भी भावनात्मक एक रिश्ते होते हैं बातों के, तो वो कहते थे सिंधिया जी ने कहा है कि मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा। ऐसे ही अभी हमारी महापौर जी कह रही थी कि कुछ हो जाए, इधर उधर की बात नहीं हो सकती, मेरे ससुर मेरा परिवार, जिसके अंतर मन में कांग्रेस थी, रोज अखबारों में कुछ न कुछ आता है, अलग अलग तरह की बातें होती है, पर उनके मुंह से उनकी जबान से जो बोला वो अखबार भी सुने और मध्य प्रदेश का आवाम भी सुने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं जितेंद्र सिंह जी, जिन लोगों को सिंधिया जी ने ये कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा, मैं उनका जरा नाम पढ़ना चाहता हूं। आप ये बताओ, शिवपुर के ब्रजराज सिंह चौहान वहां के अध्यक्ष थे, आज कितना है राजनीतिक रूप से गायब है। रघुराज कंसाल ना मुरैना के विधायक थे, मंत्री थे, विधायक थे, आज कितना है। हमारे गिरिराज गंडोतिया, पहली बार टिकट मैंने दिलाया था, ठप्पा आदरणीय सिंधिया जी ने मारा, यूथ कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष था, आज करता है। कमलेश जाटव, राकेश मावई पहले आए थे तो विधायक बने, अब हट गए तो वापस चले गए, अब कहां रहेंगे ये समय बताएगा, जैसे राज्यपालों का बताए। सत्य प्रकाश जी सकवार, उमेश सिंह जी बना, रमेश दुबे जी, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, इमरती देवी कहा है। बात इतनी बहुत कम है, पढ़ूंगा तो ज्यादा देर लग जाएगी। लिस्ट है अब तक 56 लोगों की लिस्ट है। इन लोगों को सबको कहा था चिंता मत करना, मैं हूं ना। अब वो है केंद्रीय मंत्री और ये सब है सड़क। ध्यान रखो इस बात का, अगर बात इतनी नहीं है, बात इतनी है, एहसास कराना चाहता हूं इन लोगों ने बहुत बार भाषणों में कहा कांग्रेस हमारी माँ है, और फिर बीजेपी में गए तो कहा बीजेपी हमारी माँ है। जिन्होंने माँ बदली उनको जनता माफ कर सकती है क्या? तो बस ये एहसास अंतर्गत होना चाहिए। जीतू के बयान से साफ है कि वो ग्वालियर चंबल में पिछली यादें ताजा करने में लगे हैं। कांग्रेस में रहकर सिंधिया की बगावत से साइड इफेक्ट उनके समर्थकों को गिनाने के पीछे चुनावी रणनीति है या फिर मन का मलाल, बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का मिशन बनाया है। ग्वालियर चंबल में 4 सीटें भिंड, मुरैना, गुना और ग्वालियर है, लेकिन जीत के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो चुकी है, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 लोकसभा सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी कांग्रेस के ये आंकड़े बदल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, दी खबरदार न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।